एडमिनिस्ट्रेशन इन द किंगडम, प्रशस्ति एंड लैंड ग्रांट. ठीक है, जनरली ऑलमोस्ट ऑल द रूलर्स ऑफ द किंगडम विच रोज एंड फेल ड्यूरिंग दिस 500 ईयर्स एडॉप्टेड हाई रैंकिंग टाइटल्स सच एस महाराज, अधिराज, ठीक है, ग्रेट किंग, ओवरलॉर्ड ऑफ किंग्स, त्रिभुवन चक्रवर्ती, किंग्स ऑफ थ्री वर्ल्ड्स. ठीक है ना, इस समय जितने भी 700s 1200s जितने भी राजा थे, उन्होंने अपने आप को बहुत हाई रैंकिंग टाइटल्स दिए, लाइक महाराज, अधिराज, ठीक है ना, और त्रिभुवन चक्रवर्ती. इन रूलिंग द एडमिनिस्ट्रेशन दे हाउ एवर टुक द हेल्प ऑफ देयर समानता. ठीक है, शासन करने में वो किसकी हेल्प लिया करते थे? समानता, ब्राह्मण्स एंड इवन द कॉमन कास्ट एंड पीजन. जो कॉमन कास्ट होते थे, पीजन होते थे, इन सब की सहायता से वो शासन किया करते थे. द किंग वॉज रिगार्डेड एज अ ओनर ऑफ ऑल लैंड. ठीक है, राजा ये माना जाता था कि जितनी भी जमीन है उसके राज्य की, उसका मालिक कौन है? राजा. ठीक है, अंडर हिम एंड एज सच ही क्लेम रेंट फ्रॉम पीजन. और जब वो उसका मालिक है तो वो उनसे रेंट लिया करता था. किससे? पीजन से, कैटल कीपर से एंड आर्टिशंस एंड ऑल अदर प्रोड्यूसर. जो भी जमीन का इस्तेमाल करते थे, चाहे वो किसान हो, कैटल कीपर हो, आर्टिशन हो या प्रोड्यूसर, उनसे वो रेंट लिया करता था. टैक्सेज वेयर ऑल्सो कलेक्टेड फ्रॉम ट्रेडर्स. ठीक है, और टैक्स किससे लिया करता था? ट्रेडर्स से, इंडस्ट्रियलिस्ट से एंड अदर प्रोफेशनल्स से. ठीक है, अब इन पैसों को होता क्या था? द मनी दस कलेक्टेड वॉज नेसेसरी फॉर रनिंग द एडमिनिस्ट्रेशन. ये जो टैक्स और रेंट कलेक्ट किया जाता था, उस वो किस में खर्च किया जाता था? रनिंग फॉर एडमिनिस्ट्रेशन, शासन करने के लिए, फॉर फाइटिंग वॉर्स, युद्ध करने के लिए, एज वेल एज फॉर कंस्ट्रक्टिंग टेम्पल्स और मंदिर वगैरह बनवाने के लिए. समटाइम लैंड ग्रांट्स वेर ऑल्सो गिवन टू द लर्नेड ब्राह्मण्स. कभी कभी जो लैंड्स वगैरह होती थी वो लर्नेड ब्राह्मण्स को भी दी जाती थी, स्पेशली दोज हु रोड प्रशस्ति. और ज्यादातर वो कौन ब्राह्मण होते हैं? प्रशस्ति, इन प्रेज ऑफ, जो राजा की तारीफ में कुछ लिखा करते थे. एंड हेल्प देम इन रनिंग देयर एडमिनिस्ट्रेशन, और राजाओं की सहायता शासन में क्या करते थे? अब उस समय की सोसाइटी, इकोनॉमिक और रिलीजन कैसी थी? सोसाइटी, द कास्ट सिस्टम कंटिन्यू टू बी द बैकबोन ऑफ द राजपूत. ठीक है, राजपूत के जितना भी सोसाइटी था उसका बैकबोन क्या था? कास्ट सिस्टम. आउट ऑफ द फोर ओरिजिनल कास्ट नाउ मैनी न्यू सब कास्ट स्प्रेंग अप. अब पहले फोर ओरिजिनल कास्ट तो थी, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एंड शूद्र, अब उनमें भी सब कास्ट बनने शुरू हो गए थे. द कास्ट सिस्टम हैड बिकेम रिजिड एंड द आइडिया ऑफ अनटचेबिलिटी हैड गेन्ड ग्राउंड. ठीक है, अभी जो जाति सिस्टम था या जो कास्ट सिस्टम था वो बहुत रिजिड हो गया था, और अब अनटचेबिलिटी जैसी चीज़ें मतलब फॉर्म करने लगी थी या उत्पन्न होने लगी थी. द ब्राह्मण कमेंड ग्रेट रेस्पेक्ट इन द सोसाइटी. समाज में, सोसाइटी में ब्राह्मण को बहुत ज़्यादा रेस्पेक्ट दिया जाता था. द क्षत्रियास प्रोवाइड द रूलर्स एंड सोल्जर. ठीक है, जितने भी रूलर्स होते थे और सोल्जर्स होते थे वो किस कास्ट से बिलोंग करते थे? क्षत्रियास. ओनली दे टुक पार्ट इन द वॉरफेयर, और उनका काम सिर्फ युद्ध में पार्टिसिपेट करना होता था. दे हेल्ड हाई पोजिशन एंड स्टेटस इन द सोसाइटी. उनको सोसाइटी में एक बहुत ऊँची पोजिशन और स्टेटस दिया जाता था. द कास्ट सिस्टम प्रिवेंटेड नेशनल इंटीग्रेशन. ठीक है ना, और उन्होंने नेशनल इंटीग्रेशन को प्रिवेंट किया था. वुमेन ऑक्यूपाइड अ रेस्पेक्टेबल पोजिशन इन द राजपूत सोसाइटी. ठीक है, वुमेन को बहुत सम्मान दिया जाता था राजपूत सोसाइटी में. ही कुड चूज हर हस्बैंड इन स्वयंवर. वो स्वयंवर के द्वारा अपना हस्बैंड चुन सकती थी. शी वॉज गिवन हायर एजुकेशन. उनको हायर एजुकेशन दिया जाता था. देयर वॉज नो पर्दा सिस्टम इन द राजपूत सोसाइटी. राजपूत सोसाइटी में कोई भी पर्दा सिस्टम नहीं था. इकोनॉमी, एग्रीकल्चर वॉज द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ द पीपल. ठीक है, ज्यादातर लोग किस क्या काम करते थे? एग्रीकल्चर, खेती बाड़ी किया करते थे. ट्रेड एंड कॉमर्स फ्लरिश वेल. ठीक है, उस समय ट्रेड ऑफ जो कॉमर्स था वो भी बहुत ज़्यादा फैला हुआ था या डेवलप था. स्किल्ड आर्टिशन प्रोड्यूस वेरियस काइंड ऑफ आर्टिकल. जो बहुत आर्टिशन थे, स्किल्ड आर्टिशन थे, जिनको बहुत अच्छे सामान बनाना आता था, वो अलग अलग प्रकार के सामान बनाया करते थे. ऑन द होल इंडिया वॉज अ वेल्दी एंड प्रॉस्पेरस. अगर पूरी बात कहें तो, चाहे वो एग्रीकल्चर हो, ट्रेड हो, आर्टिस्ट की तरफ से हो, आर्टिकल्स की तरफ से हो, भारत एक वेल्दी और प्रॉस्पेरस कंट्री था. द पीपल हैड डेवलप्ड गुड नॉलेज ऑफ वेरियस मीन ऑफ इरीगेशन इंक्लूडिंग द पर्शियन व्हील राहत इवन बिफोर द कमिंग ऑफ मुस्लिम. ठीक है ना, उन्होंने बहुत हमें इंडियंस लोगों को बहुत अच्छी नॉलेज थी इरीगेशन के बारे में, और उन्होंने पर्शियन व्हील राहत मुस्लिम के आने से पहले ही डेवलप कर लिया था. इन द फील्ड ऑफ इंडस्ट्री गुड प्रोग्रेस हैड बीन मेड. इंडस्ट्री में भी हमने बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस किया था या डेवलपमेंट किया था. सम फाइन वेराइटीज ऑफ वुलन, सिल्क एंड कॉटन टेक्सटाइल. टेक्सटाइल मतलब होता है कपड़ा. ठीक है, वुलन, सिल्क और कॉटन का कपड़ा बनाया जाता था. मेटल वर्किंग वॉज ऑल्सो कॉमन, और यहाँ पर मेटल का काम भी बहुत ज़्यादा किया जाता था. वेरियस टाइप ऑफ ट्रेड गिल्ड्स नोन एज श्रेन्स. ठीक है, उस समय जो ट्रेड गिल्ड्स होते थे उनको हम श्रेन बोलते हैं, जिसको हम ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं.
दिस गिल्ड्स पर्टेन टू बोथ प्रोफेशनल गिल्ड्स लाइक दोज ऑफ आर्टिशन एंड ट्रेड गिल्ड. ये दोनों होते थे, प्रोफेशनल गिल्ड्स भी होते थे जो आर्टिशंस के होते थे और ट्रेड गिल्ड्स भी होते थे जो व्यापारियों के होते थे. ट्रेड वॉज ऑल्सो फ्लरिशिंग, व्यापार बहुत ज़्यादा भरपूर था. देर फ्लरिशिंग मतलब फैला फूला था, है ना. देर वॉज अ कंटिन्यूस फ्लो ऑफ ट्रेड बिटवीन साउथ ईस्ट एशिया एंड वेस्ट एशिया. सिर्फ भारत में नहीं बल्कि हमारे देश का जो व्यापार था, ट्रेड था, वो साउथ ईस्ट एशिया और वेस्ट एशिया से भी होता था. अकॉर्डिंग टू अरब सोर्सेज, अरब सोर्सेज से पता चलता है इंडिया एक्सपोर्टेड, इंडिया क्या क्या एक्सपोर्ट करता था. कंसिस्टेड ऑफ वुड प्रोडक्ट, लकड़ी का सामान, सैंडलवुड, चंदन का चंदन, नटमेग, सुपारी, कपूर, कोकोनट, वेजिटेबल, क्लोव एंड मेनिस्पीसेज का वो एक्सपोर्ट क्या करता था. इसके अलावा इंडिया ऑल्सो एक्सपोर्टेड पीशियस एंड सेमी पीशियस स्टोन, ठीक है, जो महंगे महंगे पत्थर होते हैं और सेमी कुछ बहुमूल्य पत्थर जो होते हैं उनका भी एक्सपोर्ट किया करता था. पल्स मोती एंड फिशरीज मछलियाँ दे इम्पोर्टेड, और उसके बदले वो क्या मंगाते थे, हॉर्सेज फ्रॉम सेंट्रल एंड वेस्ट एशिया. रिलीजन द राजपूत वेयर फॉलोअर्स ऑफ हिंदुज़म, ठीक है, राजपूत होते वो कौन सा धर्म मानते थे, हिंदुज़म. सो दिस रिलीजन मेड ग्रेट प्रोग्रेस अंडर देम, ठीक है, इसलिए रिलीजन हिंदुज़म जो था उसने बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस किया. बोथ द शैव एंड वैष्णव सेक्स वेयर क्वाइट पॉपुलर इन नॉर्थन इंडिया, ठीक है ना, और नॉर्थ इंडिया में शैव और वैष्णव, शैव कौन है जो शिव की पूजा करते हैं, वैष्णव कौन है जो विष्णु की पूजा करते हैं, दोनों ही नॉर्थ इंडिया में पॉपुलर हो रहे थे. द पीपल वर्शिप विष्णु, शिव, दुर्गा एंड मैनी अदर गॉड एंड गॉडेस ऑफ द हिंदू, और जो लोग थे वो विष्णु, शिव, दुर्गा और बाकी देवी देवताओं की पूजा क्या करते थे. स्प्रेड ऑफ भक्ति मूवमेंट टू द नॉर्थ, द भक्ति मूवमेंट लेड बाई नायर्स एंड अल्वर्स इन द साउथ नाउ स्प्रेड टू द नॉर्थ, ठीक है, जो भक्ति मूवमेंट नायर्स और अल्वर्स ने साउथ में चलाया था और वो धीरे धीरे नॉर्थ में भी फैल रहा था. द भक्ति संत डिसरिगार्डेड कास्ट इनइक्विटीज एंड लेड इम्फेसिस ऑन वेदास, उन्होंने कास्ट इनइक्विटीज जो जाति में असमानता है उसका उन्होंने उनको नकार दिया, मतलब उन्होंने कहा कि ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए और उन्होंने वेदास पे जोर दिया. बुद्धिज्म ऑल्सो विटनेस रिवाइवल, ठीक है, दोबारा से बुद्धिज्म का डेवलप होने लगा. इट वॉज चीफली ऑन अकाउंट ऑफ द फैक्ट दैट बुद्धा केम टू बी रिगार्डेड एज वन ऑफ द इंकरनेशन ऑफ विष्णु, ठीक है. इस समय जो एक बहुत फैक्ट की बात है कि बुद्धा को अब विष्णु का एक रूप माना जाने लगा, जैसे हम कृष्णा, राम, विष्णु का रूप मानते ना, वैसे उनके इनकरनेशन के रूप में माना जाने लगा. द वर्शिप ऑफ बुद्धा बिकेम मोर एलोब्रेट, अब उनकी पूजा जो थी वो बहुत भव्य रूप से होने लगी थी. डिवोशनल सॉन्ग, उनके नाम पे भजन, उनके ऊपर भजन लिखे जा रहे थे, राइट्स, बहुत सारे मंत्र वगैरह किए जा रहे थे. अंदर सेरेमनीज बिकेम अ पार्ट ऑफ बुद्धा वर्शिप, और अलग अलग सेरेमनीज अब बुद्धा के वर्शिप का पार्ट बन गई थी. जैनिज्म ऑल्सो गेन पॉपुलरिटी अमॉन्ग ट्रेडिंग क्लास इन द नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया, नॉर्थ वेस्ट इंडिया में जो ट्रेडिंग क्लास थी अब उनमें जैनिज्म पॉपुलर हो रहा था. द कोलास जैन इमेज एट सरवान वेगोला अटेस्टेड टू द पॉपुलरिटी ऑफ जैनिज्म, ठीक है, कोलास में जो जैन इमेज है सर्वागोला में वो बताते हैं कि उस समय जैनिज्म कितना पॉपुलर था. द जैन डॉक्ट्रिन्स ऑफ फोर गिफ्ट, ठीक है, उन्होंने जो फोर गिफ्ट्स था, लर्निंग, फूड, मेडिसिन, शेल्टर, हेल्प मेक जैनिज्म मोर पॉपुलर. इन चारों चीज़ों ने, फूड, लर्निंग, मेडिसिन, शेल्टर ने जैनिज्म को बहुत ज़्यादा फेमस कर दिया.